गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश क्लासेस। ये क्लास नाइन्थ के इंग्लिश के बिहाइव टेक्स्ट बुक के पोएट्री का पोएम नंबर 10 है, अ स्लम्बर डिड माई स्प्रिट सील बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। इसका आज हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस करेंगे और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे। इसके पहले मैंने सारे चैप्टर्स का MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर मैंने करा दिया है। यदि उसको आपने नहीं देखा है तो इस चैनल के प्लेलिस्ट से आप उसे देख सकते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इस पोयम का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे। आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं विथ हिंदी एक्सप्लेनेशन। इसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट थिंक अबाउट हिज बिलव्ड आफ्टर हर डेथ, यानी अपनी प्रेमिका के मृत्यु के बाद कवि उसके बारे में क्या सोचता है। तो इसका आंसर होगा द पोएट थिंक्स दैट, यानी कवि सोचता है कि हिज बिलव्ड इज डेड, उसकी प्रेमिका मर गई है। इट इज मैटर ऑफ ग्रेट सैड बट देयर इज अ सेंस ऑफ रिलीफ टू, यानी यह बड़े दुख की बात है किंतु एक तसल्ली का भाव भी है। फॉर हिज बिलव्ड इज नाउ बियॉन्ड एवरी अर्थली अर्निंग्स, क्योंकि उसकी प्रेमिका अब प्रत्येक सांसारिक चाह से परे है। सी हैज बिकम अ पार्ट ऑफ नेचर, वह प्रकृति का एक अंग बन गई है। इसमें सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोयम, यानी कविता का संदेश क्या है। तो इसका आंसर होगा द पोएट बिलीव्स दैट, यानी कवि विश्वास करता है कि माय बिलीव्ड इज मेड अप अ पार्ट ऑफ नेचर, कि उसकी प्रेमिका प्रकृति का एक हिस्सा बन गई है। सी रोटेट्स लाइक ट्रीज एंड स्टोन्स एट द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, कि वह पेड़ों और पत्थरों की तरह घूमती है जैसे कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो अपने फ्रेंड सर्कल में अपने क्लासमेट के साथ इसे शेयर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।